यहाँ से इसका मेन गेट है और यहाँ से हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। और बहुत ही बड़ा पार्क है, यहाँ पर हर एक तरह के जीव जंतु मिल जाते हैं। और मेन गेट से इंटर होने के बाद ही यहाँ पर जो इसके रख रखाव करते हैं वो रहते हैं। और ये इसका नाम है मित्राव सिटी फॉरेस्ट। और अब हम जा रहे हैं जंगल के अंदर और दिखाते हैं आपको दृश्य। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से भी अंदर जाने का रास्ता है और एक यहाँ से भी। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है और इसमें काफ़ी पशु पक्षी मिलेंगे आपको, मिलते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखते हैं हमारी आज किस्मत में है या नहीं है। बाकी आप और व्यू देखें इस पार्क का, कैसा लग रहा आपको। और एक पार्क नहीं, एक वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट पार्क है। और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान बने हुए हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की ओर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और देख सकते हैं यहाँ पर हैंडमेड घोंसले बनाए हुए हैं ताकि यहाँ पर पक्षी आराम से आकर बैठ सकते हैं और अंदर रह सकते हैं। देख सकते हैं आप, और वहाँ पर बैठने के लिए छतरी बनी हुई है ताकि धूप में आराम से बैठ सकते हैं। आप यहाँ पर फैमिली के साथ आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और इसकी कोई फीस नहीं है, एंट्री फीस भी कुछ नहीं है। आप ये पिकनिक स्पॉट मान सकते हैं, नजरगढ़ के आसपास रहते हैं तो एक बार यहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, एक जंगल की फीलिंग आती है। जहाँ हम जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं तो ऐसी ही फीलिंग आती है जहाँ जैसी यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल एक नंबर मौसम। और देखो यहाँ पर भी एक घोंसला बना हुआ है होम हैंडमेड। और ये देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत कलाकारी, ये हैंडमेड डस्टबिन बनाया है, नेचुरल डस्टबिन। और मुझे बहुत ही पसंद आया ये देखने के बाद। आप देख सकते हैं इसके अंदर कूड़ा भी डाल रखा है, पूरा बहुत ही अच्छा सुंदर बना रखा है पूरा। और चलो आगे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको नज़ारा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और ये फॉरेस्ट वार्डन बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से बना हुआ है पूरा पार्क, इसको पार्क भी बोल सकते हैं और वाइल्ड लाइफ इसको फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक प्रकार जंगली ही है ये। और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मित्राव सिटी फॉरेस्ट। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें तितलियाँ चार प्रकार की हैं और पूरे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ लेना। इसमें क्या क्या है, मेहंदी, यहाँ पर मेहंदी के भी पेड़ हैं। और अब चलते हैं हम आगे और दिखाते हैं आपको कुछ और मिलता है तो। और ये यहाँ से मोटर का अपना पानी देने का पूरा वो है प्रोसेस, यहाँ से इसके अंदर मोटर है, वाल हैं और इन पेड़ों में वहीं से पानी आता है। और हम पार्क की ओर अंदर जा रहे हैं, आई थिंक सो हम 1 किलोमीटर के अंदर आ चुके हैं। ये पार्क काफ़ी बड़ा है। और कैसा लग रहा आपको ये पार्क, कमेंट करके बताना। और यहाँ पर पुरानी जड़ी बूटियों वाले पेड़, तुलसी होगी इस टाइप के, मेहंदी के पेड़ हो गए, मतलब अनेक प्रकार के यहाँ पर पेड़ मिलते हैं। और देखते हैं, अभी तक तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ पर हिरण वगैरह, पर आगे शायद मिल सकता है हमें। और बोर्ड मिलने शुरू हो गए हैं हिरणों के, अभी आपको दिखाते हैं। तो
अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया इसके अंदर आने के, पर शायद आगे कुछ मिल सकता है। और आप वीडियो में बने रहना दोस्तों, ये रास्ता है अंदर जाने का, और रास्ता तो पूरा जैसे जंगल में जा रहे हैं, सच में ऐसा पूरा रास्ता है। और चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम पीपल आते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे अच्छा है, पूरी ग्रीनरी है अंदर इसके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के पार्ट टू में, और दिखाते हैं यहाँ आपको अगर कुछ मिलता है तो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना।